First of all, thank you very much to Chanakya Institute for giving me an opportunity to express myself. Let me talk about my background first. My rank is 161 and my option was management. Okay, management option like aisa hai jo koi nahi leta hai. And I will tell you the ratio of the success rate yahan ka ki is wale subject mein kitna success rate hai. आई वॉज द ऑनली कैंडिडेट विद मैनेजमेंट ऑप्शन जो इंटरव्यू में गया, जो मैनेजमेंट ऑप्शन में 34 कैंडिडेट्स वर देयर एंड आई वॉज द ऑनली वन हु वॉज एबल टू गेट थ्रू इन टू द इंटरव्यू. नाउ अबाउट माई बैकग्राउंड, आई हैव डन माई MBA. इट वॉज एक्चुअली एन इंटीग्रेटेड कोर्स BBA प्लस MBA फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी. सो आई हैव स्पेंड माई 5 years हेयर इन कश्मीर यूनिवर्सिटी. And also regarding my background, I am NET, SET, GRF qualified and currently I am doing PhD from Jammu University. I am a part-time research scholar there. And additionally, I am working as a junior assistant in Jal Shakti Department in Srinagar in Direction Office and Chief Engineer Office. So that was about my background. Now, I will talk about the journey to this particular field. This civil services. For the very first time, I will tell you about mine being a package of failures. How many failures I have faced in my life, in both my fields, in my education field and in my civil services field, and why I shifted my choice and preferences from teaching to this field. Actually, first of all, congratulations to all of you because you are right now at the golden phase of recruitments. Because this is the only time since I think in the 75 years, this is the second time where there is a continuous phase of getting recruitment. For example, in the Abdullah government from 2012 or 2013 to 17, there was a continuous 2013 to 16 or 15, there was a continuous trend of repeating exams. फॉर एग्जाम्पल कोई पहले साल में नहीं हो तो दूसरे साल में फिर ट्राई करेगा, तीसरे साल में फिर ट्राई करेगा, बट कंटिन्यूसली हो जाएगा. देन वी सॉ ए ग्रेट टर्मोइल आफ्टर 2016 के बाद. दिस इज द फेज जहाँ पे एक फेयर रिक्रूटमेंट चल रही है एंड मैंने भी एक चीज फेस किया है. मैं जूनियर असिस्टेंट JKSSB के थ्रू, जैसे JKSSB को काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसके रिक्रूटमेंट अच्छे नहीं चल रहे हैं, बट आई एम अ लाइव एग्जाम्पल जिसने एक एग्जाम क्वालिफाई किया. सो आई डोंट थिंक दैट यू शुड क्रिटिसाइज दोज रिक्रूटमेंट एजेंसीज. जैसे JKPSC, इट इज़ वर्किंग वेरी फेयरली, ठीक है, दिस टाइम. सो इट इज़ द राइट टाइम एंड राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज आपको नहीं पता कि मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हमने ऐसा फेज भी देखा 2016 से 2021 तक जहाँ पे वी वर लाइक कि हमारे पास बहुत कुछ है बट हमें कोई एग्जाम लेने वाला नहीं है, ठीक है. सो फील ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि दैट दिस शुड बी योर लास्ट अटैम्प्ट for attemptation and for qualifying the exams, okay. So regarding my journey, in 2016 for the first time I appeared in this examination and I failed in prelims. Okay. Reason being कि हमें वहाँ पे दो options होते थे and दो options में I chose management. Management जो है prelims में नहीं होता था and because of that thing I was kicked out. In 2018 I didn't appear because I was busy with my teaching. मैंने इसके बाद 2016 के बाद mind अपना बना लिया था कि मुझे दोबारा कभी इस सिविल सर्विसेज में नहीं आना है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ गैम्बल, ठीक है. आपका हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा. 2018 आई डिड नॉट अपीयर. 2021 आई अपीयर्ड बिकॉज मैंने अपने एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे फेलियर्स देखे रिगार्डिंग, लाइक आई टोल्ड यू कि मेरा JRF है एंड हमारे यहाँ पे ये होता है कि जस्ट यू हैव टू गो फॉर गुड रिसर्च पेपर्स एंड आई हैव गुड रिसर्च पेपर्स, लेकिन रिसर्च पेपर्स एंड यू हैव टू डू PhD फॉर वर्ड फॉर ए गुड जॉब. लेकिन गुड जॉब के लिए मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिर्फ एक पोस्ट आई, ठीक है, 2019 में. फिर उसके बाद 2020 में फिर दोबारा एक और एडवर्टीजमेंट निकली, उसमें अगेन देर वॉज ओनली वन पोस्ट. सो इन अ नटशेल देर वॉज ओनली टू पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड उस मैनेजमेंट पोस्ट के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड हु आर मच मोर क्लियर इन दियर बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि मुझे पता है कि मेरा वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है कि दैट आई वुड नॉट बी एबल टू क्वालिफाई. मतलब ऑल्दो मेरे पास एवरीथिंग आई हैव, गुड रिसर्च पेपर्स,
डिग्री एवरीथिंग नेट जे आर एफ नेट सेट जे आर एफ एवरीथिंग आई हैव बट स्टिल एक अपॉर्चुनिटी नहीं है ठीक है फॉर दैट अपॉर्चुनिटी आई शिफ्टेड माय गियर टू दिस पर्टिकुलर फील्ड ठीक है एंड 2021 में आई स्टार्टेड माय जर्नी अगेन टू दिस फील्ड एंड आई स्टार्टेड विद तरुण गोयल बुक छोटी सी बुक है किस किस ने पढ़ी है वो एनी आइडिया एंड आई वॉन्ट कि एवरी वन प्लीज रेज योर हैंड जिसने पढ़ी है थोड़ा जोर से मतलब ऊपर थोड़ा फ्रंट में इन सब ने पढ़ी है जो क्वालिफाइड है ठीक है द बेस्ट रिचनेस ऑफ दिस बुक इज कि आपको हर एक फैक्चुअल चीज वहां पे मिलेगी और इसके लिए आपको नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है एंड बिलीव मी आई हैव रेड इट एटलीस्ट 30 to 35 times एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग मेरा एक JKSSB का एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ है एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इसको कितने दिन में कंप्लीट किया हुआ है एनी गेस इन सेवन डेज एंड मैंने इसको अकेले कंप्लीट नहीं किया मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सब इंस्पेक्टर एंड ही सेड दैट आई वॉन्ट कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट देना है बट मैंने आज तक अभी ये बुक नहीं पढ़ी है मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इस बुक को पढ़ के क्वालिफाई हो गए हैं एंड आई नीड अ कंपनी एंड ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द मैनेजमेंट बैकग्राउंड एंड आई सेड ओके फ्रॉम टुमारो वी विल बिगिन इट एंड रियली सेवन डेज में जैसे मोइन रैंक 5 ठीक है ही सेड दैट 30 डेज एंड ओनली ही नोज बिकॉज इसने स्टडी किया है इसको पता है कि 30 डेज में ये बुक मतलब 7 डेज में ही कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है बट स्टिल वी डिड इट बिकॉज एक था कि वी हैव टू गेन सम मतलब एक बायोलॉजिकल क्लॉक प्लस एज भी इंक्रीज हो जा रही है बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी जॉब सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप तरुण गोयल एंड तरुण गोयल बुक पढ़ने के बाद वी यूज टू कॉल मतलब वेरी सार्केस्टिकली कि यार देवता पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ है ठीक है एंड सेकेंड इसी के साथ प्रिलिम्स के लिए इसकी एक MCQs भी आती है MCQs बुक ठीक है फ्रॉम दैट थिंग I cleared my preliminary examination. And one thing I want to add कि अभी जो इस टाइम पे KS के प्री के एग्जाम्स है ना मतलब सीरियसली दे आर मच मोर बेटर देन UPSC एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल मैंने AR का पेपर दिया था AR का पेपर मेरा कुछ मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हुआ बट जब मैं एग्जाम में बैठा था ठीक है जब मैंने वो एग्जाम दिया सीरियसली देर वॉज अ वेरी पॉजिटिव वाइब कि एटलीस्ट मेरा मतलब जब मेरा रिजल्ट आया वर्क एक फीलिंग थी हम सब में कि एटलीस्ट वी फेल्ड बट इससे बेटर पेपर हमने लाइफ में कभी नहीं देखा है ठीक है मतलब दिस इज अ लेवल दैट JKPSC हैज एक्वायर्ड एंड गिवन टू द एस्पिरेंट्स ठीक है दैट मीन इन अ वे आई एम प्रेजिंग द JKPSC कि इतना लेवल कितना हाई है मतलब जैसे एक टाइम पे जैसे मोहिन ने भी बोला कि 93 एक टाइम पे कट ऑफ जाता था इस टाइम पे 55 कैटेगरी में तो और भी कम है द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन CSAT बच्चे वो भी नहीं करते हैं द थिंग इज तरुण गोयल मतलब मेरी प्रेफरेंस जो रही है हमेशा प्रीलिम्स के लिए तरुण गोयल बुक यू हैव टू रीड एनी हाउ चाहे आप इसके लिए कंपनी एक कंपनी रखो लाइक माइंडेड पीपल के साथ गो विद दिस थिंग तरुण गोयल बुक के साथ टू बुक्स ठीक है सेकेंडली जो मैंने 2021 का एग्जाम दिया ठीक है अब मेरा क्या फोकस था कि मैंने पढ़ाई कैसे किया माई फोकस वॉज ओनली टू थिंग्स ठीक है वन ऑन न्यूज़पेपर एंड अनदर वॉज विजन आई एस के करंट अफेयर्स मगर मंथली आप इसके मंथली करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे ना इट इज डिवाइडेड इनटू 8 कंपोनेंट्स ठीक है कोई भी किसी भी मंथ की निकालो एंड दैट वे आई हैड डिवाइस्ड अ मैकेनिज्म कि मेरे पास छोटी छोटी ना 8 नोटबुक्स हैं ठीक है मैंने कहा कि 8 कंपोनेंट्स में रफली डिवाइडेड है एंड आई हैड डिवाइडेड इट इनटू 8 नोटबुक्स एंड मैं ये करता था कि वीकली मतलब एक वीक में 7 डेज हैं 7 डेज में से मुझे लेट्स से पहला कंपोनेंट पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस है मुझे पूरा दिन उसको देना है मॉर्निंग में आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर एंड न्यूज़पेपर में आई यूज टू रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड इंडियन एक्सप्रेस वाई नॉट दिस द हिंदू बिकॉज मुझे इंडियन एक्सप्रेस का एक द एक्सप्लेन पेज आता है दैट इज अ मोस्ट मतलब मैं कहता हूँ कि उससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी बुक में नहीं मिलेगी एंड यू हैव टू रीड इट
daily. Before that, going further, I want to ask, आज का daily newspaper किसने पढ़ा है? Any national newspaper किसने पढ़ा है? Anyone who has read the newspaper? Any idea about what is? अच्छा आज के आज का जो editorial है उसके editorial में एक कावेरी dispute आया. Any idea about what is Kaveri dispute between Karnataka and Tamil Nadu? Kaveri river है, इसको तमिलनाडु में क्या बोला जाता है? इस river का local name क्या तमिलनाडु में है? ये आपको किसी book में नहीं मिलेगा, but एक newspaper में आपको मिल जाएगा. And this way, newspaper why they are important? Not only for JKPSC exam, but for JKSSB examinations. And मतलब आप में से कोई newspaper नहीं पढ़ता है? Seriously, you need to develop. Seriously, if you are not reading the newspaper, you are wasting your time. Seriously. Because newspaper, मतलब जैसे अथर सर ने भी बोला, मोइन ने भी बोला, everyone you need to focus on newspapers. ठीक है? And newspapers में roughly लोगों को कितना time लगता है? मतलब मैंने जो Indian Express की subscription है ना, it used to come at the early in the morning at 6 to 6:16 a.m. ये डेली एवरेज टाइम है. एंड आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM. ठीक है, ये मेरी डेली हैबिट है. 5 AM आई यूज टू, फ्रॉम 5 AM टू 6:16 AM आई यूज टू रीड दिस तरुण गोयल. ओके, एंड फ्रॉम 6:16 टू अराउंड मॉर्निंग के 10 AM आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर डेली. इंडियन एक्सप्रेस कंप्लीट किया मुझे, इंडियन एक्सप्रेस में अगर मुझे टाइम बच गया, आई विल गो फॉर द हिंदू न्यूज़पेपर. ओके, that's why newspaper is very necessary. And jaisa maine bola ki I have made 8 notebooks. theek hai, 8 notebooks I used to daily. matlab aaj ka jaisa mera monday I am focusing on polity and governance, so uske liye alag notebook banayi hai. wo mera chahiye agar 2 hours mein complete ho jata well and good. aise bhi 2 hours mein complete hone wali cheez nahi hai, usko at least aapke 4 hours lagte hi hain usko religiously agar padhna hai. theek hai, मतलब मुझे डेली का 4 आवर्स निकालना, चाहे वो मॉर्निंग में निकल रहा है, चाहे आफ्टरनून में निकल रहा है, चाहे इवनिंग में निकल रहा है. ठीक है, आई हैव टू गिव दिस थिंग. ठीक है, 4 आवर्स मैंने इसको दिए हैं. अब उसके बाद जो मेरा दिन का बाकी बचा ना, आई यूज टू गो टू स्टैटिक थिंग्स. स्टैटिक थिंग्स में मतलब कोई भी बुक है, चाहे राजीव अहिर की या लक्ष्मीकांत है, जब मेरा एक टाइम जो मेरा बच गया. ठीक है, फ्रॉम दैट आई हैव टू अगेन फोकस ऑन दोस थिंग्स. ठीक है, That is my routine. मतलब मैंने वीक को डिवाइड किया हुआ है इंटू 7 कंपोनेंट्स बेसिकली, एंड 7 नोटबुक्स वो भी छोटी छोटी सी जो मेरे एक छोटे से बैग में रहती है. जैसे मैं हमेशा ऐसे ही कैरी बैग रखता हूँ अपने साथ, आई ऑलवेज गो. ठीक है, दिस वॉज माई वे ऑफ डीलिंग द थिंग्स, दिस वॉज माई वे ऑफ लर्निंग द थिंग्स. ठीक है, ये आ गया स्टडी के रिलेटेड जो मेरा फोकस रहता था. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, अगर इन चीजों को आपको कंटिन्यूस वे में करने के लिए ना, यू नीड डिसिप्लिन इन योर लाइफ. एंड आई एम लिटल ओवर डिसिप्लिन. एंड जैसा मैंने बोला कि मैं मॉर्निंग में 5 AM आई यूज टू वेक अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड उसके बाद आई हैव टू रीड न्यूज पेपर, आई हैव टू गो टू द डिपार्टमेंट, आई हैव टू फोकस ऑन माई PhD ऑल्सो. ओके, आई यूज टू do teaching in university of Jammu in my department, because I'm a JRF, so I had to take the classes. Okay, and this was my discipline, okay, of dealing the things. And one thing I want to suggest, in all the things you need, apart from discipline, apart from these things, you have to choose your environment. Where do you study? Okay, like I'm obsessed with libraries. I'm seriously obsessed with libraries, and I love libraries. And since 2007, मतलब 2016 का जो मेरा failure था ना, it was because मैं कभी library में नहीं गया. मैंने पढ़ाई की but उस level की नहीं की. But उसके बाद जब 2016 के बाद NET, SET, JRF करना, वो भी कोई आम चीज़ नहीं है. It was very difficulty. It requires a sitting. ठीक है, and since 2016 I have been sitting in libraries. Currently I used to study in IMPA library, because I am doing my training there. मेरी training चल रही है अपने ही job के related, and I had the option to go to Jammu for availing my training, but I didn't go there because I
लव दिस, आई लव द एनवायरनमेंट हियर इन इम्पा, ओके. एंड इम्पा में आई यूज्ड टू सिट इन द लाइब्रेरीज, दैट इज डिसिप्लिन. एंड आप लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ रहे हैं, आप अपना एनवायरनमेंट किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज आपके एनवायरनमेंट का आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. हाउ डू यू डील, हाउ डू यू अवॉइड टॉक्सिक पीपल्स, बिकॉज आपकी लाइफ में ना आपके सक्सेस के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब आपके आसपास तो बहुत सारे लोग हैं, बट हुम यू आर चूजिंग, ठीक है. एंड द बेस्ट थिंग इज अबाउट लाइब्रेरीज, जैसे मैंने बोला कि लाइब्रेरी में फोकस ऑन लाइब्रेरीज. सीरियसली, आपकी अगर यहाँ पे कोई लाइब्रेरी है, गो टू दीज लाइब्रेरीज. SPS लाइब्रेरी है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. आई हैव इट्स कार्ड ऑल्सो, कि मैं वहाँ पे भी बैठा करता था, मतलब 10 से 4 मेरी यहाँ पे लाइब्रेरी खत्म हुई. आई यूज़ टू गो देयर बिकॉज और कुछ करना ही नहीं है लाइब्रेरी में, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. और ऐसा नहीं है कि मैं खाली इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ता हूँ, ठीक है. आई यूज़ टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दोज. सेकेंड, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीलिम्स के लिए मैंने बोला कि दैट यू हैव टू फोकस ऑन तरुण गोयल, सीरियसली. एंड मैंने कहा कि 30 to 35 टाइम्स आई हैव रेड दिस बुक, और वो भी रिलीजियसली. नाउ कमिंग टू द मेन्स पोर्शन, हर किसी का अपना स्टाइल है पढ़ने का. मेरा स्टाइल ये है कि मैंने ये चीज़ें कवर की हैं, 8 बुक्स, मेरी नोट मेकिंग यही रही है, ठीक है. एंड उसके बाद माई फोकस वॉज ऑन PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टॉपर्स नोट्स. टॉपर नोट्स फॉर टू थिंग्स, वन इथिक्स एंड एसे. एंड बिलीव मी, मतलब मैं PhD कर रहा हूँ, मतलब मेरी राइटिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छी हैं. बट स्टिल विद दैट कैपेबिलिटी आई यूज टू, आई गॉट स्कोर ऑफ 87 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2021. आई गॉट 87 मार्क्स एंड आई यूज रिगार्डिंग दैट. Now, how I achieved this thing, I know that ethics में इस टाइप में मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए होंगे टॉपर्स के नोट्स. एंड टॉपर्स के नोट्स मैंने कहाँ से किए हैं, आपको टेलीग्राम पे कहीं भी मिल जाएंगे. जस्ट यू हैव टू बी इन टच विद दोज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. टॉपर्स के नोट्स, दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड इज PYQs. वन थिंग दैट इज वेरी कॉमन बिटवीन a successful and a non-successful and an aspirant candidate is your discipline. Just focus on this discipline, yaar. Matlab, seriously, and one more weakness of mine is that I'm internet addict. ठीक है, internet addict. Internet का मतलब ये है कि मैं YouTube पे बैठ जाऊँगा ना, मतलब मैं internet के साथ ही चलता रहूँगा. And how I converted my weakness into strength with an iPad. ठीक है, iPad की सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, कि आप में ना वहाँ पे App Store में WhatsApp ही नहीं है, पहली चीज़, ठीक है. सेकेंड, मतलब मेरे पास 2 फ़ोन है, एक फ़ोन में मेरे कॉन्टैक्ट्स खाली 3% के पास है, एक मेरे फादर, एक मेरा ब्रदर और एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है. एंड नॉट दैट फ्रेंड, शी इज एक्चुअली ओके, उसकी बात आई है, शी इज 8 ईयर्स यंगर देन मी, ओके. She is in her second semester of MBA and she has got PPO. ठीक है, that is, मैंने आपसे बात की कि just surround yourself with like-minded people. And she is the most, मतलब एक कहते हैं ना, एक categorical imperative आपके mind में create करते हैं कि that, मतलब आपको बैठने नहीं देते हैं. और बच्चों की सबसे अच्छी बात यह है कि that they are always inspiring. मतलब they don't talk about the people. And especially the toxic people, their focus is only on the one thing, that is studies. And उनको अपने topics complete करने हैं. And जैसे मैंने बोला कि 22 years and she has got a placement in ICICI bank. She is doing MBA, ठीक है, doing credible thing. And one more thing, कि जैसे मैंने बोला कि management का जितना भी मेरा statistical वाला portion है, जो सबसे most difficult part है, I have learned it from her. Okay. So this is how you surround yourself with the people. So learn an art of avoiding people. Because आपकी लाइफ में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो सीरियसली आपके सक्सेस के साथ ना एसोशिएट करते हैं, और जिनको आपको एक क्रेडिट देना भी होना चाहिए. लाइक आई वॉज सिटिंग हेयर, जैसे मैम बुला रहे थे, एंड शी जस्ट कॉल्ड मी एंड बोला कि मेरा पेपर बहुत ब्रिलियंट हुआ है, ठीक है, आज का.
है तो MBA का ही एग्जाम, बट फॉर हर इट इज एन अचीवमेंट. ओके, सो जस्ट सराउंड योर सेल्फ. मेरा ये है कि मैं कभी अपने एज वाले फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमता हूँ, ठीक है. एंड माई आर्ट ऑफ अवॉइडिंग पीपल इज कि जैसे मैंने बोला कि मॉर्निंग 5 में आई यूज टू वेक अप, 5 to 9 आई डोंट टॉक टू पीपल, चाहे जो मर्जी है. एंड आफ्टर 10 PM आई जस्ट स्लीप, ठीक है. 10 बजे मैं सो जाता हूँ, 10 बजे के बाद मैं किसी का फोन नहीं उठाता हूँ. एंड 5 to 9 ये मेरा एक्सक्लूसिव टाइम है. उस टाइम पे मेरे को कोई भी मिलेगा, आई डोंट एंटरटेन देम, ठीक है. दिस इज माई वे ऑफ डीलिंग थिंग्स, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा टाइम नहीं है. दिस इज माई एक्सक्लूसिव टाइम, 10 to 5 एंड 5 to 9, बाकी टाइम बाकियों के लिए है, ठीक है. एंड वन मोर थिंग अबाउट द लाइब्रेरीज, वंस यू एंटर इन द लाइब्रेरी इज ना, जस्ट ट्रीट इट लाइक ए टेम्पल और योर मॉस्क्यू, ठीक है. मतलब अंदर गए हो, बस एक ही चीज करनी है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू कंप्लीट योर टॉपिक्स, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने अपना बोला कि स्ट्रेंथ में, ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ मैंने आपको बहुत सारी बताई. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बोला कि इंटरनेट एडिक्ट हूँ. इंटरनेट एडिक्ट का मतलब ये नहीं है कि आई वॉच एवरी वेब सीरीज. जैसे अभी जियो सिनेमा में अभी एक रिसेंटली है ताली, ठीक है, तो मैंने वो भी देखी हुई है, ठीक है. आई एम ऑब्सेस्ड विद मूवीज, ठीक है. जैसे ओपनहाइमर है, मतलब आईनॉक्स में जाऊँ, मतलब जो भी ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है या ऑस्कर विनिंग मूवी है, मैंने कोई नहीं छोड़ी है. आई हैव वॉच एवरी मूवी, ठीक है. दिस इज मतलब मेरी इंटरनेट एडिक्शन ये है, ठीक है. बट वन थिंग आई वॉन्ट टू ऐड कि जैसे मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, मुझे वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है. जब हमारा ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वी हैव टू सबमिट ए DAF, ठीक है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. एंड उसमें मैंने अपना हॉबी में वो चीज़ इंक्लूड नहीं की थी. द रीज़न इज बिकॉज ये बहुत ब्रॉड है. इस मूवीज में लेट से या डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उसमें आपको मतलब इतनी ब्रॉड है. वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज हैं, फिक्शन मूवीज हैं, नॉन फिक्शन मूवीज हैं. किसी को फिक्शन मूवीज नहीं पसंद है, तो मैंने वो चीज़ें इंक्लूड नहीं की थी. मैंने हॉबी में जैसे माउंटेन एंड ट्रैकिंग के लिए मैं जाता हूँ, दैट्स मतलब वही एक चीज़. एंड मेरा ये क्या था कि, और दूसरा मेरी प्रेफरेंस भी याद है, एक प्रेफरेंस क्या है, KPS, ठीक है. तो उसके साथ मुझे लगा कि ये ज़्यादा सूट कर रही है, दैट्स वाई आई गिव दैट प्रेफरेंस, ठीक है. फ्यू थिंग्स आई टॉक्ड अबाउट, हाँ, मूवीज के रिगार्डिंग ना, आई वुड रिकमेंड यू फ्यू मूवीज. लॉकी, LOCK, लॉके मूवी एक बार देख लेना, बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट द डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है. दिस मूवी LOCK, ठीक है, बाय टॉम हार्डी इट इज. सेकेंड इज क्या था, केविन स्पाइसी का एक वेब सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है. किसी को अगर देखना होगा देख लेना, मतलब इट इज अबाउट डिसिप्लिन इन योर लाइफ एंड इट इज रिगार्डिंग योर डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ. प्लस एक और विंस्टन चर्चिल की एक मूवी है जिसमें उसका एक व्यक्तित्व दिखाया हुआ है कि बेसिक नेचर इंडिविजुअल का किस तरह का होता है और किस तरह से लोगों को बैठना होता है. लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू एड इज यू मस्ट अंडरस्टैंड हु इज योर कॉम्पिटिशन. हु इज योर कॉम्पिटिटर? कैन एनी वन प्लीज टेल मी फ्रॉम द, मतलब आप में से कि इस टाइम पे कितनी पोस्ट है? Anyone, please. 75. Now I will tell you the competition level this time. 75 में से ना भूल जाओ 15. आपके लिए सिर्फ 60 पोस्ट है. I'll tell you how. 15 उन लोगों के लिए है, ऑलरेडी उनने ऑक्यूपाई कर ली हुई है, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है. हम में से जैसे कोई है, लेट से किसी को अपनी प्रेफरेंस मिली है अकाउंट्स, ठीक है, किसी को अकाउंट प्रेफरेंस मिली, दे आर अगेन इन टू दिस लूप एंड दे विल, मतलब ये चाहेंगे कि हमें KS मिल जाए या KPS मिल जाए. ऐसे 10 to 15 एस्पिरेंट्स और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते ही होते हैं जो अगले एग्जाम्स में फिर बैठते हैं और वो आपकी 10 to 15 सीट्स खा जाते हैं. और वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि यहाँ पे ये वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं. मतलब एक फाइनली आपकी सिलेक्शन लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट कोई नहीं होती है. तो दैट वे 15 कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं एंड 60 के लिए आपको यू हैव टू कम्पीट. आई विल गिव एन एग्जाम्पल. जैसे हमारे चीफ इंजीनियर है यहाँ पे संजीव मल्होत्रा, उनका बेटा लास्ट ईयर 88 रैंक, दिस ईयर इज गॉट 22 रैंक,
ठीक है, जस्ट बिकॉज उसको अपनी प्रेफरेंस नहीं मिली थी, उसको अकाउंट्स मिला था, उसको केएस में जाना था. दैट वे दिस इज अ लेवल ऑफ कंपटीशन एंड लुक वेयर यू स्टैंड एक्चुअली. आर यू गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर? आर यू गोइंग थ्रू दिस करंट अफेयर्स रेगुलरली एंड इन अ डिसिप्लिन मैनर और नॉट? ओके, आर यू दिस इन टू द गुड इन्वायरमेंट और नॉट? या आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि मतलब जो आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रहे हैं दैट यू हैव टू दिस, मतलब आप अगर फेल हुए. एंड वन लास्ट थिंग, एक और, एवरीवन टॉक अबाउट द सक्सेस बट नो वन टॉक्स अबाउट द फेलियर्स. एंड वंस यू आर, अगर आपने होल हार्टेडली अगर इस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज को अगर अडॉप्ट किया ना, डोंट अबाउट द सक्सेस इन वन ईयर. ओके, फ्यू एक्सेप्शंस आर डेफिनेटली देयर, बट एक्सेप्ट द फेलियर्स. एंड उस फेलियर्स में आपके साथ कौन खड़ा हो रहा है और आपको कैसे मोटिवेट कर रहा है, भूल जाओ कि आपको पहले साल में सक्सेस मिल जाएगी. एटलीस्ट टू अटेम्प्ट्स आपके कहीं नहीं गए. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज द गोल्डन फेज ऑफ रिक्रूटमेंट इन J&K, बिकॉज इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिल सकती है. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई वे ऑफ अप्रोचिंग योर थिंग. दैट वॉज हाउ यू आई यूज टू सराउंड माई सेल्फ. मतलब मेरे को तो, मतलब अभी भी अगर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जिस दिन जाऊँगा ना, मतलब सब बोलते हैं मूडी पर्सन है. मेरा मूडी वैसा नहीं है कि मैं, मतलब आई ट्रीट पीपल हार्शली, बट आई ट्रीट पीपल इन ए वे दैट दे आर, मतलब दे आर ट्रीटिंग मी लाइक आई एम ए वेरी रिएक्टिव पर्सन. इफ यू गिव मी अ स्टिमुलस नाइसली, आई विल गिव यू रिप्लाई नाइसली. एंड इफ यू मतलब अगर आप मेरे टोन के साथ नहीं मिल रहे हो, आपके आपके साथ मेरी वाइब नहीं मिल रही है, आई वोंट टॉक टू यू. ठीक है, दिस इज माई वे ऑफ डीलिंग थिंग्स, बिकॉज आपको वन ईयर का डेडिकेशन चाहिए ही चाहिए. एटलीस्ट वन ईयर जिसमें आपको सोशल कॉन्टैक्ट्स आपने पूरे खत्म करने हैं. ठीक है, सोशल का मतलब ये नहीं है कि आपको आपने फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलाना है. डिवोट सम टाइम, जैसे मैंने बोला मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 10 से 11 बजे तक मैं सबको क्या कहते हैं इसको, मतलब सबको फॉलो करता हूँ. फॉलो का मतलब ये है कि आई यूज टू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन. ठीक है, कि मतलब आज सोशली क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कहाँ कौन गया हुआ है. दैट्स कॉल्ड स्टॉकिंग. ये मेरा ये टाइम है 10 से 11 बजे का स्टॉकिंग का टाइम. मतलब मुझे, मतलब जो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जो नहीं भी एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज टू स्टॉक देम. This is my way of entertaining myself. ठीक है, ऐसा discipline अपनी life में भी लाओ. ठीक है, जिससे आप continuously motivate हों. ठीक है, with this, okay. If you have any questions, so you can ask me. या actually अब हमने सबने तो बोल ही दिया हुआ है. We are, मतलब सबको, अगर किसी से आपने questions पूछने, you can ask us. ना अकेले भी क्यों दूँ. ओके, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली.